हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए ट्रक इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ ट्रक इज 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इट मीन्स यू की वैल्यू आपको पता है कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड। एंड आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद उसी ट्रक की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वेलोसिटी बिकम 16 मीटर पर सेकेंड। उसी ट्रक की वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद 16 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कैलकुलेट करने को बोला गया आपको एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक की, ट्रक की एक्सेलरेशन क्या होगी। सेकंड आपको बोला गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया उस ट्रक ने, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, अब सबसे पहले हम केस फर्स्ट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन सोल्व करते हैं कि उस ट्रक की एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो देखो, केस फर्स्ट में आपको एक्सेलरेशन सॉल्व करनी है। तो देखो, गिवन क्या क्या है आपको, गिवन है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बोला गया कि 10 सेकेंड के बाद उस ट्रक की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 16 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है आपको 16 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बोला गया इस वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम कितना लगा, टाइम लगा आपको कितना, 10 सेकेंड्स। अब आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को, यू रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, और टी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टाइम को। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपके पास फाइनल वेलोसिटी, वी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 16 मीटर पर सेकेंड, माइनस यू, यू क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम आपको कितना गिवन है, 10 सेकेंड गिवन है। अब देखो, उसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 डिवाइडेड बाय 10। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास फर्स्ट केस में आपसे पूछा गया था एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी उस ट्रक की, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो देखो, फर्स्ट केस में आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी 4 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद उस ट्रक की वेलोसिटी चेंज हो जाती है कितनी, 16 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। अब आपको फाइंड आउट क्या करनी है, एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो, यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सारी वैल्यूज को पुट किया, हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई ट्रक की, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम डिस्कस करते हैं केस नंबर सेकंड, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि 10 सेकंड में उस ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यूज करते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब देखो, यहाँ पर एस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, यू रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को, ए रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, और टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को। एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड आउट कर ली, U की वैल्यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी आपको पहले से गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, और आपको टाइम भी पहले से गिवन है 10 सेकेंड। के लिए हमें कैलकुलेट करना है कि 10 सेकेंड में उस ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो देखो, हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। यू इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है, मल्टीप्लाई में टाइम, कितना टाइम लगा था, कितने टाइम में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो 10 सेकेंड्स में कैलकुलेट करना है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ए एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, कितनी आई थी हमारे पास, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई में टाइम,
टाइम हमारे पास था 10 सेकंड और टी का स्क्वेयर है तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वेयर कर देंगे, सोल्व करते हैं इसको। तो इसको सोल्व किया कितना आया, 40 + 1/2 × 12 / 10 पॉइंट था, पॉइंट हटा दिया हमने, मल्टीप्लाई में 10 × 10। इसको सोल्व किया तो आपके पास कितना आया, 60 आ गया। तो एस इज इक्वल टू 40 + 60। तो एस मीन्स डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उस ट्रक ने, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यहाँ पर देखो सारी वैल्यूज हमें पहले से पता थी, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, यू रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को और ए रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। टाइम हमें पहले से पता था, हमें ये पता लगाना था 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। तो टाइम आपके पास कितना था, पहले से ही 10 सेकंड्स था। यू इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में ही आपको गिवन है 4 मीटर/सेकंड। एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट की थी फर्स्ट केस के अंदर, वो कितनी थी, 1.2 मीटर/सेकंड। सारी वैल्यूज को हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट किया तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया, 100 मीटर की उस ट्रक ने 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सेकेंड न्यूमेरिकल है, एक कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 मीटर/सेकंड to 15 मीटर/सेकंड इन 10 सेकंड्स। कोई एक कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है कितनी, 10 मीटर/सेकंड, और 10 सेकंड के बाद उस कार की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 15 मीटर/सेकंड हो जाती है। इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी आपको बता दी गई कि पहले इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर/सेकंड और 10 सेकंड के बाद वो वेलोसिटी चेंज हो जाती है और कितनी हो जाती है, 15 मीटर/सेकंड हो जाती है। फाइंड द एक्सेलरेशन, फर्स्ट केस में आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, सेकंड केस में आपको बताना है कि उस कार ने इस टाइम इंटरवल के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो सोल्व करते हैं इसको केस नंबर फर्स्ट के लिए। केस नंबर फर्स्ट में हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम, और तीनों चीजें हमें गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर/सेकंड। फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है 15 मीटर/सेकंड। और आपको बता दिया गया कि वेलोसिटी को चेंज होने में 10 मीटर/सेकंड से 15 मीटर/सेकंड होने में कितना टाइम लगा है, 10 सेकंड्स लगे हैं। तो टाइम आपको गिवन है कितना, 10 सेकंड्स। अब आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और एक्सेलरेशन को मींस चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करके। तो एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है v - u / t। यहाँ पर v रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को, u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को और t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो देखो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं तो एक्सेलरेशन हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। तो v की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 15 मीटर/सेकंड गिवन है, 15 मीटर/सेकंड। माइनस आपको क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, यू की वैल्यू भी आपको गिवन है कितनी, 10 मीटर/सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम आपको कितना गिवन है, 10 सेकंड्स गिवन है। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर/सेकंड डिवाइडेड बाय 10 सेकंड। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गई कितनी, 0.5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो आपको बोला गया था एक कार है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर/सेकंड थी, 10 से कितनी हो जाती है, 15 मीटर/सेकंड, और उस वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम कितना लगता है, 10 सेकंड्स लगते हैं। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करने को बोला गया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दोनों की वैल्यूज को हमने पुट किया तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0.5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब हम करते हैं केस नंबर सेकंड, जिसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल, कि 10 सेकंड के ड्यूरिंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस ऑब्जेक्ट ने, उस कार ने, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें पहले से पता है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो डिस्टेंस
कितना ट्रेवल किया है उस कार ने, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस से रिलेटेड है। क्या होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? तो यूज करेंगे हम यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे एस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल को, यू रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को, और ए रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पर देखो, अभी हमने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट की, कितनी आई थी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, और टाइम हमें पहले से पता है कितना 10 सेकंड्स। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू भी है कितनी 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर ली 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, और टी की वैल्यू टाइम हमें पहले से गिवन था 10 सेकंड्स। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। तो देखो यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई में टाइम कितना है वो भी है 10 प्लस 1/2 इंटू में ए। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है आपके पास? एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाई में टाइम आपको कितना गिवन है 10 का स्क्वेयर। इसको सॉल्व करते हैं तो एस इज इक्वल टू 100 प्लस 1/2 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 10 इंटू में 10। इसको सॉल्व किया तो आपके पास कितना आया, एस इज इक्वल टू 100 प्लस 25। तो S means डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उस कार ने, 125 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस कार ने। तो यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी पहले से गिवन थी, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर ली थी, टाइम हमें पहले से गिवन था, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो S रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल को, U रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, T रिप्रेजेंट करता है टाइम को, और A रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। सारी वैल्यूज हमें पता थी, वैल्यूज को हमने पुट किया तो हमारे पास S इट मींस डिस्टेंस ट्रेवल हमारे पास आ गया कितना 125 मीटर।